स्टडी मेट्रो के डायरेक्टर अभिनव बजाज साहब हमारे बीच में हैं। बजाज साहब, ये देखने में आ रहा है इंडिया में अभी रिसेंटली कुछ एचआर एजेंसीज ने सर्वे भी किया है कि मैक्सिमम इंडियन यूनिवर्सिटीज और कॉलेजों से जितने भी स्टूडेंट्स निकल रहे हैं उनमें स्किल की कमी देखी जा रही है। एक सर्वे ने बताया कि 90% स्टूडेंट्स विदाउट स्किल निकल रहे हैं जी। मतलब वो सिर्फ कागज का टुकड़ा लेके निकल रहे हैं डिग्री हाथ में जी। तो क्या इसका सॉल्यूशन स्टडी अब्रॉड है? क्या यही बच्चे फर्दर स्टडी के लिए अगर अब्रॉड जाते हैं तो ये स्किल गैप दूर हो सकता है क्या जी? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। स्किल गैप इसलिए आ जाता है क्योंकि हम बहुत ज़्यादा, हमारा एडुकेशन सिस्टम बहुत ज़्यादा थियोरेटिकल कोशिश करता है कि थियोरेटिकल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करें। कोई भी बच्चा जब जाता है, इसको अमेरिका की भाषा में बोलूँ तो अपॉर्चुनिटीज़ बोलते हैं, कोऑपरेटिव एजुकेशन। जो आप पढ़ रहे हैं वो क्लासरूम के बाहर जाके आप अप्लाई कर रहे हैं, इसको हम इंडिया में इंटर्नशिप्स बोलते हैं। ये इंटर्नशिप्स बहुत ज़रूरी है। अगर आप देखेंगे आपकी ही सर्वे और आपकी बात को अगर मैं बोलूं कि अगर आप यही चीज़ हॉस्पिटैलिटी में देख लेंगे या हेल्थ केयर में देख लेंगे तो आपको उनकी स्किल्स ज़्यादा दिखेगी एज़ कम्पेयर टू एक इंजीनियर और MBA, क्योंकि और BBA, क्योंकि उन्होंने कभी इंडस्ट्री नहीं देखी होती है। एक बार आप उन स्टूडेंट्स को उनकी पर्टिकुलर इंडस्ट्री में 15 से 50 दिन की आप इंटर्नशिप्स भी कराएंगे तो आपको वो स्किल्स मिल जाएंगी। आपने पूछा स्टडी अब्रॉड एक सॉल्यूशन है या नहीं है। स्टडी अब्रॉड एक सॉल्यूशन है बट वो एक ओनली सॉल्यूशन नहीं है। हमें एजुकेशन सिस्टम को गलत बोलने से कुछ नहीं होगा। आप एज अ स्टूडेंट अवेयरनेस ये होनी चाहिए कि हम जब 4 साल या 3 साल की बैचलर्स डिग्री कर रहे हैं तो हम अपने आप से कितनी जगह अप्लाई कर रहे हैं। हमारे स्टूडेंट्स भी डिपेंडेंट हो जाते हैं बिकॉज उनको लगता है हम पैसा पे कर रहे हैं यूनिवर्सिटी को तो यूनिवर्सिटी हमारे लिए करेगी। सबसे एक चीज़ जो हर किसी को सीखनी चाहिए वो ये कि अगर आपको अपना फ्यूचर बनाना है तो आप किसी यूनिवर्सिटी और कोचिंग के भरोसे नहीं बैठ सकते। आपको अपॉर्चुनिटीज़ को देखना है तो ऑफकोर्स स्टडी अब्रॉड एक सॉल्यूशन है, बट अगर स्टूडेंट अवेयर है तो इंडिया अमेरिका भी बहुत कुछ कर सकता है। बहुत से स्टूडेंट्स बजट की कमी से नहीं जा पाते हैं फॉरेन, उनका एक ड्रीम होता है कि हम जाएं। तो अभी क्या कुछ एजुकेशन लोन में भी विदाउट कोलेटरल कुछ स्कीम्स वगैरह आई है क्या गवर्नमेंट की? सो सबसे अच्छा ये रहेगा कि ये बात आप किसी भी बैंक जाके अगर पता करेंगे, नेशनलाइज बैंक, तो डेफिनेटली वो विदाउट कोलेटरल भी देते हैं लोन। और बहुत सारी एजुकेशन फाइनेंशियल कंपनीज नाउडेज आर अवेलेबल जो आपको नॉन कोलेटरल लोन देती हैं। जब आप नॉन कोलेटरल लोन की बात करते हैं तो आपको ये समझना चाहिए कि एक लोन कंपनी या एक बैंक आपसे क्या चाहती है कि आप किसी टॉप यूनिवर्सिटीज़ में जाएं और आप सक्सेसफुली लोन को रीपे कर पाएंगे। तो अगर स्टूडेंट बहुत अच्छी प्रोफाइल के साथ में अच्छे इंस्टीट्यूट टॉप 200 रैंक वर्ल्ड के यूनिवर्सिटीज़ में जाता है तो मुझे लगता है, जितना मुझे पता है, 25 लाख रुपये तक का नॉन कोलेटरल लोन बैंक देने के लिए रेडी है। हालांकि हर बैंक के पास में अपनी एक खुद यूनिवर्सिटी की लिस्ट होती है, सो इसका ज़्यादा क्लियर जवाब आपको वो दे सकते हैं, बट मुझे पता है कि 25 लाख रुपए तक का मिल जाता है। रही बात आपके क्वेश्चन, एक और है कि फाइनेंस का बड़ा क्वेश्चन होता है। यूरोपियन में ऐसी बहुत सारी कंट्रीज हैं जहाँ पे आपको फ्री एजुकेशन होती है। ये सिर्फ इंडियन स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, ये वहाँ के लोकल स्टूडेंट्स के लिए भी है और ऑल ओवर अदर वर्ल्ड से स्टूडेंट्स भी जाके अप्लाई करते हैं। एक दो कंट्री का नाम भी ले लेता हूँ, जर्मनी और नॉर्वे और इटली। या तो यहाँ पे फीस है तो बहुत नाम मात्र है या फीस नहीं है। कोई भी स्टूडेंट जिसको लगता है कि मैं बहुत एक एवरेज से अबव एवरेज प्रोफाइल पे हूँ वो भी अब्रॉड एडुकेशन प्लान कर सकता है। उसके लिए उसको बहुत अफोर्डेबल ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं। एक ही चीज़ की कमी है, अवेयरनेस, जिसके लिए स्टडी मेट्रो ने आज जो इवेंट किया है उसमें उनको वो बताया जा रहा है। जी, एक आखिरी प्रश्न था मेरा कि अभी ऐसा देखने में आ रहा है कि इंदौर में फॉरेन एजुकेशन को लेकर स्टूडेंट्स में और पेरेंट्स में काफ़ी क्रेज हो गया है जी। जबकि आज से 15-20 साल पहले गिने चुने लोग ही जा पाते थे जी। तो क्या ये सच है कि यहाँ पर इंदौर शहर में स्टडी अब्रॉड का क्रेज इंक्रीज हो रहा है? डेफिनेटली क्रेज बढ़ रहा है और वो सिर्फ इंदौर शहर में नहीं, मुझे लगता है ऑल ओवर इंडिया में बढ़ रहा है। यूनेस्को की रिपोर्ट अगर आप देखेंगे तो चाइना सबसे ज़्यादा नंबर 1 अभी इंटरनेशनल स्टूडेंट मोबिलिटी करता है, इंडिया नंबर 2 पे है। यूनेस्को ने बोला है कि आप
2020 के बाद में इंडिया नंबर वन हो जाएगा। हमारे यहाँ पे एवरेज 74,000 स्टूडेंट्स जीआरई लिखते हैं, ये सबसे नंबर वन है, इवन मोर देन चाइना ऑन एन एवरेज। क्रेज एक स्टडी अब्रॉड फुल ऑफ चैलेंजेस जर्नी होती है, तो मैं ये इसलिए बताऊंगा आपके दर्शकों को कि ये एक फैशन नहीं है कि पड़ोस वाला जा रहा है तो मैं भी जाऊंगा, क्योंकि वो अमेरिका में, मुझे भी सिंगापुर अमेरिका भेज दो। वो जर्नी बहुत फुल ऑफ चैलेंजेस होगी, क्योंकि हम एक नए कल्चर में जा रहे हैं, नया फूड है, नए लोग हैं, इट टेक्स टाइम आपको सेटल होने में, मगर इट्स इम्पोर्टेंट। आप उसको हमेशा देख सकते हैं कि क्रेज बढ़ भी रहा है और वो बढ़ता रहेगा। और एक फाइनेंशियल्स के लिए आजकल 10 बैंक अवेलेबल है जो आपके लिए हेल्प करेगी। जब 10 साल पहले मैं गया था तो मुझे पता है कि एक या दो बैंक थी जो हेल्प करती थी। तो क्रेज बढ़ेगा और ये कंटिन्यू टू ग्रो, इट विल कंटिन्यू टू ग्रो। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।